नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ मसालेदार न्यूज के साथ। अजय देवगन ने इस वजह से ठुकरा दिया अमिताभ बच्चन की फिल्मों का रीमेक। आजकल बॉलीवुड में सत्ते पे सत्ता रीमेक की चर्चा जोरों शोरों पर है। फराह खान और रोहित शेट्टी इस फिल्म को बना रहे हैं और आए दिन फिल्म की कास्टिंग को लेकर चर्चा होती रहती है। अगर ताजा अपडेट की माने तो फिल्म में ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन के किरदार में दिखाई देंगे और उनके साथ एक्ट्रेस लीड रोल में दीपिका पादुकोण होंगी। लेकिन अब फिल्म में लीड एक्ट्रेस दीपिका नहीं बल्कि कैटरीना कैफ होंगी। और हाल ही में ये भी खबर आई थी कि सोहेल खान ने 2 साल पहले अपने भाई सलमान खान के लीड रोल में अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक के लिए फिल्म के निर्माता रोमू सिप्पी से संपर्क किया था, लेकिन सलमान खान के डेट इश्यू के चलते ये फिल्म सलमान खान के साथ नहीं बन पाई। और अब हमें पता चला है कि न केवल सलमान खान बल्कि अजय देवगन को भी अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अजय देवगन ने स्पष्ट रूप से इस फिल्म को करने से मना कर दिया, क्योंकि अजय इस बात पर दृढ़ थे कि वह कभी भी बिग बी की फिल्मों का रीमेक नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने निर्माताओं को एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों वह कभी भी बिग बी की फिल्मों का रीमेक नहीं करेंगे। उस समय हालांकि रोहित शेट्टी फिल्म का निर्माण नहीं कर रहे थे, फिर भी अजय ने इसे ठुकरा दिया। अजय अपने सिद्धांतों पर काम करने वाले अभिनेता हैं। सत्ते पे सत्ता में बिग बी का डबल रोल है, इसलिए अजय को भी इसमें डबल रोल प्ले करने होते। यदि अजय इस रोल को करते तो शायद इस रोल में छा जाते, लेकिन अजय को बिग बी के प्रति बहुत सम्मान है। इसके अलावा वह अभिषेक को छोटे भाई की तरह मानते हैं, इसलिए यदि वो ये फिल्म करते तो उनके रिलेशनशिप में तनाव आ सकता था। अजय देवगन उन चुनिंदा स्टार्स में से एक थे जो अभिषेक की ग्रैंड शादी में शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि साल सत्ते पे सत्ता 1982 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। 38 साल के बाद इस फिल्म की रीमेक जल्दी ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अगर ऋतिक रोशन ने फराह खान की सत्ते पे सत्ता की रीमेक के लिए हामी भर दी तो ऋतिक के लिए अमिताभ बच्चन की ये दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन अग्निपथ 1990 के रीमेक में लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को करण मल्होत्रा ने निर्देशित किया था। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।